घर में ये माजी पाउंड बनवाना है सामान काला बात पैसों को चुनाली सजवान टिकटॉक वाला मेरे चैनल का नाम है दोस्तों हाँ। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं मिलती है हमारे साथ हैं सुनील भाई और हम लगेंगे पैदल बाट यानी कि कुल मिला के 4 किलोमीटर और हम आराम से पैदल पैदल फटाफट अपने घर पहुंच जाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सचिन सजवाण में। उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम बढ़िया और एकदम मस्त होंगे। तो आज के नई व्लॉग में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी मौसम एकदम बढ़िया हो रखा है, धूप आ रखी है, सुबह से बारिश हो रही थी, रात को 1-1.5 बजे के लगभग बारिश लगी, हल्की फुल्की हो रही थी, वो सुबह 5-5:30 बजे तक लगी रही, उसके बाद मौसम थोड़ा सही हो गया और अभी हल्का हल्का धूप आ गई। और अभी मैं जा रहा हूँ चंबा और मेरा थोड़ा सा मतलब काम है चंबा में और मुझे अपने लिए आज जूते भी लेने हैं जो कि रनिंग करने के लिए अपने लिए एक थोड़ा सा बढ़िया सा जूते लेने हैं। जो मेरे पुराने जूते हैं उनका जो सोल होता है ना वो पूरा घिस चुका है, तो एक बढ़िया सा जूता लेते हैं कम से कम पैसों में और बेहतर से बेहतर जूता आप सभी को दिखाते हैं। और अभी चलते हैं हम चंबा, मैं पहुँच चुका हूँ और अब गाड़ी का वेट करते हैं और तब चलते हैं चंबा। तो मैं चंबा पहुंच चुका हूं और एक भाई जी हैं उन्होंने मेरे को लिफ्ट दी और धन्यवाद उनका भी जिन्होंने मेरे को लिफ्ट दी। और अभी मैं चंबा पहुंच चुका हूं और अभी हम बैठे हैं सागर गारमेंट्स में, अंकल जी की दुकान पर सागर गारमेंट्स। आप यहां पर आ सकते हैं, फॉर्मल कपड़े हो गए, डिज़ाइनिंग जैसे मतलब आजकल के हिसाब से सारे कपड़े सब कुछ मिल जाता है यहाँ पर, सब चीज़ें अवेलेबल हैं और सही रेट में मिल जाएंगे आपको। आप लोग एक बार ज़रूर आएँ, मेन चौक है जो चौराही गब्बर सिंह चौक, उसके ठीक सामने पे अंकल जी की शॉप है सागर गारमेंट्स के नाम से, आप एक बार ज़रूर आएँ। मैं आ रखा हूँ एटीएम में और अभी थोड़ा कैश निकालते हैं और फिर चलते हैं जूतों की शॉप में, जूते भी लेने हैं अपने लिए, तो अभी चलते हैं कैश निकालते हैं। मैंने पैसे निकाल दिए हैं एटीएम से और अभी मैं यहाँ सुंदर कॉम्प्लेक्स यहाँ पे मार्केट है उसके छत के ऊपर हूँ। यहाँ से बढ़िया सा व्यू दिख रहा था तो मैंने सोचा थोड़ा शूट कर लूँ। ये पूरा चंबा है, चंबा का ये बैक साइड कॉलेज रोड साइड है ये, और ये ऋषिकेश रोड साइड, यहाँ पीछे बैक मेरे बैक में। चंबा के बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहूँगा, ये एक पहाड़ी एरिया है आप सभी को तो ये पता है, और मतलब जैसे ऋषिकेश से आप आओगे तो सबसे पहले आपको चंबा आना पड़ेगा, नई टिहरी हो गया, बौराड़ी हो गया, यहाँ जाने के लिए भी आपको मेन पहले चंबा आना पड़ेगा। अगर आप धनोल्टी मसूरी यहाँ जाना चाहते हो तो वहाँ देहरादून से भी अगर एक शॉर्टकट है, अगर आपको चंबा होते हुए आना है तो चंबा भी आप घूम सकते हो। यहाँ से उत्तरकाशी हो गया आपका, टिहरी डैम हो गया, बहुत सारी जगहों जाया जा सकता है और आप लोग एक बार ज़रूर आएँ। चंबा एक छोटा सा पहाड़ी एरिया है और अच्छा सा हिल स्टेशन है, आप लोग ज़रूर आएँ। खासकर जैसे बाहर से लोग आते हैं टिहरी डैम घूमने के लिए, उस पर भी मैंने ब्लॉग बनाया है, आप उसे देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। बहुत अच्छी जगह है टिहरी डैम, आप आएँ और आनंद लें। मसूरी धनुल्टी जब बर्फ़ पड़ती है तो काफ़ी बेस्ट। यहाँ पर सुरगंडा देवी का जो टेम्पल है ये यहाँ पीछे से दिखता है, वहाँ पीछे पहाड़ियाँ, वहाँ पीछे यहाँ से अभी ऐसे साफ नहीं दिखेगा पर आप लोग आ सकते हैं। सुरकंडा देवी हो गया, धनुल्टी, मसूरी, चंबा, तो ब्यूटीफुल जगहें हैं, आप लोग ज़रूर एक बार आएँ। रावत स्पोर्ट्स यहाँ रिस्की रोड पे शॉप है ना, तो स्पोर्ट्स का सामान वहाँ बढ़िया मिलता है, तो अभी चलते हैं रावत स्पोर्ट्स के यहाँ और वहाँ से देखते हैं कोई बढ़िया सा अगर हमें शूज़ मिल जाता है स्पोर्ट्स का, यहाँ से भी खरीदते हैं। ये जूता ले रहा ये है रावत स्पोर्ट्स, ऋषिकेश रोड पे इनकी शॉप है, यहाँ पे काफी अच्छा मतलब स्पोर्ट्स का सामान मिलता है। तो फाइनली मैंने भी जूते ले लिए हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। शू लिया मैंने, सेगा का शूज है ये और इसका सही है, इसका सोल भी बढ़िया है नीचे से ना, तो ये वाला कर दिया जिम कर दिया सेगा का। तो इसका जो रेट है मतलब 750 यानी कि 650 तक आपको पड़ जाएगा और बहुत ही बढ़िया है, मतलब जैसे रनिंग के लिए तो बेसिकली बहुत बेस्ट है। इसका जो सोल है वो बहुत ही सॉलिड है, मतलब जैसे तुम्हें रनिंग वगैरह करने के लिए, और मेरे को बेसिकली रनिंग के लिए चाहिए था
तो हम मेरे को मतलब मैंने यही वाला ख़रीद लिया है, और आप लोग आएँ अगर आप लोगों को मतलब कुछ भी स्पोर्ट्स का सामान लेना है, कुछ भी लेना है, तो आप ज़रूर आएँ, एक बार विज़िट करें राउत स्पोर्ट्स, ऋषिकेश रोड पर इनकी शॉप है, तो आप लोग आ सकते हैं। अभी हमने जूते ले लिए हैं मिस्टर सुनील सजवान, अभी ये कॉलेज से आया, अभी मिले मेरे को, और मैं स्पेशली जूते लेने के लिए आया था, थोड़ा सा काम था वो तो कर लिया है, और जूते मिल चुके हैं, आप लोग भी आए हैं। जो जूता था वो हमने ले लिया है, काफ़ी बेस्ट है, आप भी देख सकते हैं, मतलब सस्ता है, बढ़िया सा 650 रुपए में, और बहुत ही कंफर्टेबल है, आप इधर उधर भी उसे पहन के जा सकते हैं, और आप खरीद सकते हैं उसे, और काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे अभी खाना खाने के लिए हम बैठ चुके हैं, और घर में ही माजी का उन्हें बनवाना है यह चमन खाना बात पैसों को राजमा चावल ये छोटा लाइट भी है इसलिए हमने खाना खा लिया है। मसूरी रोड पे रेस्टोरेंट है, और बहुत ही अच्छा यहाँ पे खाना बनता है, इसका नाम अभी तो गैस नहीं किया है, बट मतलब ये कृष्णा डेयरी है यहाँ पे ना, कृष्णा डेयरी के ठीक सामने पे मिलता है यहाँ पे खाना, राजमा चावल बहुत ही बढ़िया। और आज सुनील भाई की पार्टी थी, सुनील भाई का जन्मदिन था, और आज सुनील भाई के जन्मदिन की खुशी में आज उन्होंने दाल चावल खिलाया हमें, तो इन्हें अग्रिम शुभकामनाएँ। बात दोस्तों, मैं बहुत चक्कर मारे इसके चक्कर में, और अब शायद आचार संहिता थोड़ा ख़त्म हो गई है, मेरा आय प्रमाण पत्र भी आज मिल गया है, और बहुत टाइम के बाद मैंने बहुत मतलब एक महीना हो गया लगभग, और आज आ गया है फाइनली, आई एम हैप्पी। फाइनली दोस्तों, आज हम चंबा आए थे, और यहाँ पे हमें अपने पुराने कुछ दोस्त मिले, ये ठुनाली, इनका ठुनाली के नाम से, आपका चैनल किस नाम से है? ठुनाली सजवान टिकटॉक वाला मेरे चैनल का नाम है दोस्तों। हाँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी जरूर करें। ये बात और ये हमारे नए ब्लॉगर हैं भाई, अभी नए ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो इनका भाई का नाम हिमांशु सजवान ऑफिशियल नाम से चैनल है, उसमें फोटो ब्लॉग वगैरह सभी आते हैं। ये बात देख सकते हैं सचिन भाई, आप लिंक दे देंगे? बिल्कुल। और इनका लिंक भी दे देंगे, काफ़ी फनी वीडियोज बनाते हैं, और इनकी काफ़ी वीडियो वायरल भी हुई है, और यहाँ पे 2-3 और हैं। अरे ये तो खास अपना भाई है, आप तो जानते हैं इन्हें, सुनील सजवान, इनका ऑफिशियल अभी बनने वाला है कुछ ही दिनों में, तो ठीक है आप लोग ऐसे देखते रहें, भाई लोगों को सपोर्ट करें, मेरे को भी करें भाई, मैं भी सचिन भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, बहुत अच्छे स्टेज शो करते हैं सचिन भाई, तो दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट जरूर करें सचिन भाई के चैनल को। थैंक यू ब्रो। निकल चुके हैं घर के लिए, और बाईपास में पहुंच चुके हैं, और अभी वेट करते हैं गाड़ी का, अगर नहीं मिलती है तो हमारे साथ हैं सुनील भाई, और हम लगेंगे पैदल बाट, यानी कि कुल मिला के 4 किलोमीटर, और हम आराम से पैदल फटाफट अपने घर पहुंच जाएंगे। अभी चंबा से घर आके तुरंत माँ जी ने भी घटवाड़ी बना के रखा था, तो अभी चलते हैं चक्की में, ये घटवाड़ी है, गेहूँ है इसमें, तो इनको पिसवा के लाते हैं और तबाते हैं घर, थोड़ी पिसा के भी ला गया हूँ मैं, और अब सीधे चलते हैं घर। तो दोस्तों मुलाकात होगी जल्द नए ब्लॉग के साथ।